गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए हमारा ये जो वीडियो है ये बेसिकली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को सबसे पहले समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने यहाँ दो डिफरेंट कलर यूज किए हैं। रेडॉक्स में आप ब्लू कलर को रिलेट करेंगे रिडक्शन से, एंड ये जो यहाँ पे रेड कलर है इसको आप रिलेट करेंगे ऑक्सीडेशन से। ओ एक्स को रिलेट करेंगे ऑक्सीडेशन से, आर ई डी को रिलेट करेंगे रिडक्शन से। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे चल के समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। इनके रूल्स को हम एक साथ लेकर समझते हैं तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा ऑक्सीडेशन। इसके लिए जो पहला रूल है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अगर हम रिडक्शन में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा। अब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहेंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन के केस में या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन के केस में देखते हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये जो हमारे दोनों पॉइंट हैं ये इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो बस आपको इसको क्रॉस करके ये रूल याद रखना है। थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी ये समझने में कि किस एटम, किस मॉलिक्यूल का, किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। ये है हमारा कॉपर, ये ऑक्सीजन, और हीट के प्रेजेंस में ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भी ये जो एरो है, इससे पहले जो भी हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद वाले को हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और ऑक्सीजन है, और ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो अब इस रिएक्शन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले एक बात आपको समझना होगा कि जो भी आपको डिसाइड करना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना, जो भी देखना है आपको रिएक्टेंट को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉपर। अब कॉपर है, कॉपर प्रोडक्ट जब बन रहा है तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो आप यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीजन का एडिशन किसके साथ हुआ है, ऑक्सीजन का जो एडिशन हुआ है वो कॉपर के साथ हुआ है। तो इसलिए हमारा जो ये कॉपर है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड में। अब देखते हैं रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऐड हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऐड हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कॉपर है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। 9th क्लास में आपने टेबल 3.6 में, जब आयंस के लिए एक टेबल है वहां 3.6 टेबल, वहां पे आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर दो चार्जेस होते हैं, +1 +2।
तो कॉपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर होगा तो उस केस में रिडक्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो गए, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस कि कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, कॉपर से नहीं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर का नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया, आपको सिर्फ रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट में ही आपके आंसर्स होंगे कि किसका कोई किसी का रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन जो आपके आंसर्स होंगे वो रिएक्टेंट से ही होंगे, प्रोडक्ट से नहीं होंगे आपके आंसर्स। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है हमारा रिएक्टेंट, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, किसमें, कॉपर में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, मींस वाटर में। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में, H2O में, मींस वाटर में। तो यही पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, वाटर का हो रहा है या हाइड्रोजन का हो रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, आपको सिर्फ रिएक्टेंट देखने हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्टेंट का ही रिडक्शन होगा, रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिएक्टेंट ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ रिडक्शन है यहाँ ऑक्सीडेशन है, तो इनके रूल्स आप समझ चुके हैं, बस आपको करना क्या है कि अगर किसी केस में अगर किसी का भी रिडक्शन हो रहा है तो वो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और यहाँ ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये लूज करते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं और ये गेन करते हैं, इसी की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो पाता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों ही आपस में रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीडेशन का देखते हैं तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए तो आपको बस इतना हिंट लेना है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन में भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, डोनेट या लूज सेम थिंग है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब ये कॉपर ऑक्साइड है, लास्ट एग्जांपल ही लिया है, कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, दैट मींस कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में तो यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, जब ये इस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तब ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा।
तो इसलिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन को ऑक्साइड होने में हेल्प कर रहा है। अब देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में, दैट मींस कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन का एडिशन होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होना, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, H2O में। तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है। कैसे रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। इसकी वजह से ये हेल्प करेगा कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस होने में, तो इसलिए इसका नाम भी हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये सारे, चाहे ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन होगा, ये सारे कौन होंगे, सिर्फ रिएक्टेंट ही होंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कोई भी लगा सकते हैं, उस केस में मे बी आपका आंसर करेक्ट हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। लेकिन आपको जो भी अपने आंसर्स लिखने हैं वो रिएक्टेंट में से ही लिखने हैं, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं, अगर आपने कुछ बेसिक्स रूल समझ लिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, कॉपर का नहीं, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, या हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रूल के लिए आप में रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब जिंक ऑक्साइड है और यहाँ कार्बन है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, इसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस इन दिस केस। तो अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन होगा यहाँ। अगर कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो डेफिनेटली कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं मैग्नीज क्लोराइड में, वाटर में और क्लोरीन में। अब यहाँ देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में, मैग्नीज ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको बेसिकली देखना है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है किससे, मैग्नीज से, तो मैग्नीज ऑक्साइड से, तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है, या रिडक्शन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड हो रहा है। नेक्स्ट आपको देखना है, अच्छा अगर मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ HCl है, HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, HCl कन्वर्ट हो रहा है यहाँ Cl2 में, दैट मीन्स कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है HCl से, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl हो रहा है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सोडियम लिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो नेचुरली सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ। जब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है सोडियम। अब आपको पता है सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में और वाटर में। तो देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन, इसीलिए हमारा जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ रिएक्टेंट ही देखना है, क्योंकि रिएक्टेंट में से ही ये सारी कैटेगरीज आएंगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो आपको ये बहुत ही बड़ा हिंट और क्लू मिला है, जिससे आप इजिली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो डेफिनेटली लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो कार्बन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, सल्फर भी रिलीज हो रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कहें तो H2S ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसमें, सल्फर में। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ यहाँ क्लोरीन है, यहाँ HCl है, दैट मीन्स हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, या क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। जब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करें, हमने अपनी छोटी सी कोशिश की है कि आप इस टॉपिक को क्लियरली समझ सकें।